आइए लिखते हैं 9.4। मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए लिखते हैं हमारे पास 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? dy / dx = 1 - cos x 1 + cos x। यहां से आपके पास होगा क्या कि हमें क्या करना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? व्यापक हल ज्ञात करना है। यदि कभी भी आपके पास व्यापक हल कहे तो हमें करना क्या होता है कि वहां से डी जो होता है उसको हटाना होता है। डी का मतलब अवकलन हुआ है, और अवकलन को हटाएंगे कब? आप समाकलन करके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। dy is equal to dx है यहाँ पर 1 minus cos x का आप जानते हैं फार्मूला होता है 2 sin square x by 2 और इसका होता है 2 cos square x by 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर हो गया dy by dx और यहाँ पर हो गया sin upon cos क्या होता है tan square x by 2। आप जानते हैं कि tan का समाकलन नहीं हो सकता, तो आपके पास x y 2 tan स्क्वायर का नहीं होता, तो यहां पर इसका मान हो गया इतना। और dy आप करेंगे क्या, dy इधर था, dx को इधर ले गए और आपके पास हो जाएगा दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्ष में समाकलन लेने पर दोनों पक्ष में हम समाकलन लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा यहां पर dy इक्वल टू यह हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 और dx माइनस 1 dx, यही होगा। यहां पर dy का हो गया y और sec स्क्वायर x, देखिए जो भाग है वही क्या होगा, गुणा होगा, और यहां पर sec का होता है tan, इस tan x होता है लेकिन x by 2 है तो हो जाएगा x by 2। 1 का कितना x और प्लस कितना c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही इसका व्यापक हल है। इसका व्यापक हल क्या है? y = 2 tan x - x + c। आई लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? dy / dx = dy / dx = 4 - y² क्या है? y स्क्वायर, यही है। आइए देखते हैं यहां से कि 4 माइनस y स्क्वायर है, यहां से हम क्या करेंगे कि dy बटे में 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना dx है, और यहां से आप करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्ष में समाकलन लेने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बटा में रूट में 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहां से आपके पास होगा कितना कि यदि हम इसको करते हैं तो आपके पास क्या होगा कि 1 बटा में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। फार्मूला क्या, sin इज इनवर्स x / a, x / क्या होता है a, लेकिन यहां पर आपके पास y है तो हो जाएगा sin इनवर्स y / a, a का मतलब कितना 2, यहां पर 1 का, यहां पर 1 है तो 1 आपके पास 1 का कितना हो जाएगा x, और यहां पर हो जाएगा x + c। अब यहां पर sin इनवर्स है उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा sin इनवर्स उधर क्या तो हो गया sin और x + c, x + c हुआ, यहां पर y / 2 है, y = 2 और sin x + कितना c, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 2 है, जिसमें हमने किया क्या कि d और dy और dx को हमने अलग अलग पक्ष में रख कर उसका समाकलन रख करके d को हटा दिया, अर्थात उसको मान को ज्ञात कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो या आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? dy / dx + y = 1, dy / dx + y = कितना 1, यही है। यहां से सबसे पहले हम करेंगे क्या, dy / dx = 1 - y,
1 माइनस वाई हुआ यहाँ पर डिवाइड बाय 1 माइनस वाई और इज इक्वल टू इधर कर दिए dx। हम करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में समाकलन लेते हैं, दोनों पक्ष में समाकलन लेने पर, दोनों पक्ष में यदि हम समाकलन लेते हैं तो हो जाएगा dy बटा में 1 माइनस y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहां से आपके पास आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx का मान होता है कि log mod of x, यही होता है। यहां से हम अगर इसको देखें तो यह हो जाएगा log 1 माइनस y और इज इक्वल टू 1 का इधर कितना हो जाएगा कि 1 का इधर आपके पास मान हो जाएगा क्या कि 1 का हो जाएगा कितना x, यही होगा 1 x प्लस कितना c, और यही आपके पास आंसर है। देखिए आंसर को और बढ़ा सकते हैं क्योंकि आंसर आपके पास यह नहीं है, a e की पावर x है, तो आप यहां से देखिए ये c को यहाँ पर log है, इस c को इधर कर सकते हैं log c मानेंगे log m into n, या यहाँ से आपके पास इस मान को भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है sec स्क्वायर x, यही है sec स्क्वायर x, फिर है tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x और dy इक्वल टू कितना 0। यहां पर यह मान आपके पास आया हुआ है या यही क्वेश्चन दिया गया है। आइए देखते हैं हम सबसे पहले करेंगे क्या, sec स्क्वायर x * tan y dx है ना, यहां से इस क्वेश्चन यहां प्लस है इसको उधर ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर y tan x और dy। आप x को एक पक्ष में कर लीजिए और y को एक पक्ष में, x को इधर ले आइए हो जाएगा sec स्क्वायर x अपान कितना tan x dx और माइनस sec स्क्वायर y अपान कितना tan y और आपके पास हो गया dy। आप क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में यदि हम समाकलन लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर x अपान tan x dx और यहां पर माइनस sec स्क्वायर y अपान tan y और क्या हो जाएगा dy। यदि हम यहां से tan y को t मान ले और यहां पर tan x को t मान ले, यहां पर tan y को t मान ले और tan x का आपके पास अवकलन आता है sec स्क्वायर x dx, यहां पर tan y का आएगा sec स्क्वायर y dy, तो इसी प्रकार से आपके पास मान क्या आ जाएगा, जो मान होगा आपके पास आएगा क्या log, यहां पर आ जाएगा tan x और यहां पर आ जाएगा कितना माइनस log tan y आ जाएगा और प्लस कितना अचर होगा log c, माइनस है इसको इधर करिए और इधर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा log tan x और प्लस log कितना tan y और इक्वल टू log कितना c, log m into log n, log m into log n क्या हो जाएगा log tan x into log tan y is equal to कितना log c, log से log cancel हुआ, आगे आपके पास tan x into tan y is equal to कितना c, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और यहां पर है कितना dy इज इक्वल टू, यहां पर e की पावर है प्लस e की पावर x या माइनस है यहां पर,
माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और यहाँ पर dx इक्वल टू कितना जीरो। आप करेंगे क्या कि इसको क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले e की पावर x e की पावर माइनस x यहाँ पर है dy इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x यहाँ पर हो जाएगा dx। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई है पहले x वाले को एक तरफ करिए, x वाले को एक तरफ करेंगे तो आपके पास हो जाएगा e की पावर माइनस x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x यहाँ पर e की पावर माइनस x और dx। अब यहाँ से आप करेंगे क्या इक्वेशन को सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो आपके पास इस इक्वेशन को हम 7.4 या 7.3 में लगाया था कि जब यहाँ पर अंश बटा हर आए तो आप हर को मानेंगे तो अंश आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे क्या हर को मानेंगे और आपके पास अंश आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले दोनों पक्ष में यदि हम समाकलन करते हैं तो आ जाएगा dy is equal to यहाँ पर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x यहाँ पर क्या है dx। आप यदि इसको मानेंगे तो ऊपर वाला और dx आ जाएगा और आपके पास 1/t और dt का कितना होता है log t होता है और उसी के आधार पर हम इसको करेंगे हो जाएगा यहाँ पर log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस कितना सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था क्वेश्चन नंबर आपके पास यह है 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है dy by dx is equal to 1 plus x square और 1 plus y square। यही है आप y को इधर कर लीजिए x को इधर करिए dy बटा में 1 plus y square और इस इक्वल टू है यहाँ पर 1 plus x square और यहाँ पर हो गया कितना dx। यहाँ पर हम दोनों पक्षों में समाकलन लेते हैं दोनों पक्ष में समाकलन या इंटीग्रेशन लेने पर समाकलन करने पर आपके पास क्या आ जाएगा कि यहां से यदि हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हो जाएगा dy बटा में 1 plus y square और यहां पर इंटीग्रेशन लेते हैं तो हो जाएगा 1 dx plus x square dx। इसको एक लाइन और आगे सॉल्व करते हैं यहां पर 1 plus y square का मान कितना होता है tan inverse y हो जाएगा क्योंकि x होता तो x होता यहां पर y है तो y होगा। 1 का कितना होता है x हो गया x square का कितना होता है x cube बटा में 3 हो गया और प्लस कितना c। यही आपका क्या था आंसर था tan inverse या आंसर है tan inverse y is equal to x plus x cube by 3 और प्लस कितना c। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूले। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को या क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नंबर 6 इधर है थोड़ा सा ध्यान से देख के नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7 y log y dx क्या है y log y dx minus x dy is equal to कितना 0। यही क्वेश्चन है एक बार मिला लीजिएगा आप बस यही क्वेश्चन है यहां से y log y dx is equal to x dy। यहां से आपने यह देखा यहाँ पर dy है x को इधर ले आओ और इसको उधर ले चलिए यहाँ से हो जाएगा dx बटा में x हो गया और यहाँ पर dy बटा में क्या हो गया y log y हो गया। ठीक यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों पक्ष में समाकलन करते हैं दोनों पक्ष में समाकलन
करने, और दोनों पक्ष में यदि हम समाकलन करते हैं तो आ जाएगा 1 अपान x dx, और यहां पर हो जाएगा 1 अपान y log y dy, और आप देखते हैं 1 अपान x का कितना मान होता है, यह होता है log mod of x square। यहां पर यदि आप log y को मानते हैं t, तो log y को t मानेंगे तो 1 अपान y dy आएगा, यही आएगा, और आप उसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा आपके पास log, और पोस्टक में log y, और इधर भी आप कर लीजिए log, इधर आप ऐसे कर सकते हैं, इधर आप इसको मान सकते हैं इधर log c। अच्छा यहाँ पर मान लिया हमने, यहाँ से देखिए log m into r हो जाएगा log c x is equal to log, यहाँ पर है log y, log से log cancel, c x is equal to हो गया log y, y देखिए यहाँ पर एक बेस होता है, और जो बेस होता है वह e होता है, e यहाँ से इधर आया तो e की पावर c x हो गया, और आपके पास y, y is equal to e की पावर c x, और यही आपका क्या है आंसर है। यह क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है 7, और इसमें आपने किया क्या कि y को एक पक्ष में किया और x को एक पक्ष में किया, और दोनों तरफ हमने समाकलन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।